लॉ ऑफ टॉर्स के इस लेक्चर सीरीज में आज हम एक दूसरे डिफेंस के बारे में बात करेंगे जो कि अवेलेबल है इन फेवर ऑफ रॉन्ग डूअर और टॉर्ट फीजर। तो जिस डिफेंस के बारे में हम बात करेंगे वो है नेसेसिटी यानी अनिवार्यता या आवश्यकता। अपने अब तक के वीडियोस में हमने वॉलेंटरी नॉन फिट इंजूरिया, एक्स टर्पी कॉसा नॉन ओरिटर एक्सियो, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस, इन सभी डिफेंसेस के बारे में डिटेल में बात किया है। अगर आप वीडियो में नए हो और लॉ ऑफ टॉर्ट्स को बेसिक से समझना चाहते हो, एक ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना चाहते हो, तो आप मेरे वीडियोस को फॉलो कर सकते हो। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। इस वीडियो में हम नेसेसिटी के कंप्लीट कॉन्सेप्ट को समझेंगे, विच इज अ डिफेंस अवेलेबल टू दी रॉन्ग डूअर और टॉर्ट फीजर। ये जो हमारा डिफेंस है नेसेसिटी, ये जिस लीगल मैगजीन पर बेस्ड है वो है सेलस पॉपुली लेक्स, विच मीन्स वेलफेयर ऑफ पीपल इज सुप्रीम लॉ। द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ एवरी लॉ इज टू प्रमोट वेलफेयर ऑफ पीपल एट लार्ज। तो कहीं ना कहीं ये जो हमारा डिफेंस है बेसिकली लोगों के वेलफेयर पर फोकस्ड है। इट इज अ गुड डिफेंस अवेलेबल टू द रॉन्ग डूअर एंड इट इज नॉट एक्शनेबल। आप इस डिफेंस को आईपीसी के सेक्शन 81 के साथ कनेक्ट कर सकते हो। सेक्शन 81 ऑफ आईपीसी क्या कहता है? इट स्टेट्स दैट एक्ट लाइकली टू कॉज हार्म बट डन विदाउट क्रिमिनल इंटेंट एंड टू प्रिवेंट अदर हार्म। तीन बातें हैं। एक्ट लाइकली टू कॉज हार्म, इट मीन्स देर इज चांस ऑफ अकरिंग हार्म, बट डन विदाउट क्रिमिनल इंटेंशन। विदाउट क्रिमिनल इंटेंशन, तो यहां पे जो पर्सन है वो कोई एक्ट कर रहा है और उसके उस एक्ट के वजह से कोई निगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। देर मे बी हार्म एज ए रिजल्ट ऑफ दैट एक्ट, लेकिन वो जो एक्ट है उसके पीछे उस पर्सन का, उस रॉन्ग डूअर का कोई क्रिमिनल इंटेंशन नहीं है। और उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में उस एक्ट का होना नेसेसरी है। इट सीम्स नेसेसरी टू हैव परफॉर्म दैट एक्ट, बिकॉज उस एक्ट को करने का जो पर्पज है वो क्या है? टू प्रिवेंट ग्रेटर हार्म, एक बड़े से खतरे को कम करने के लिए, रोकने के लिए आपने कोई एक्ट किया। हाँ, उसके कुछ नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस हैं, लेकिन उसके वजह से आप एक बड़े खतरे को खत्म कर दे रहे हो, टाल दे रहे हो। तो ये एक्ट अपने आप में, रॉन्ग डूअर का ये एक्ट अपने आप में क्या है? जस्टिफिएबल है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो दिस इज अ शिप और इसमें जो क्रू मेंबर्स हैं ये एक कार्गो शिप है जिसमें गुड्स हैं। अब एक एक्सीडेंट होता है जिसके वजह से इस पर्टिकुलर शिप में क्रैक्स आ जाते हैं
और ये जो शिप है वो डूबने लगती है। तो ये जो क्रू मेंबर्स हैं क्या करते हैं, इस कार्गो में जो गुड्स हैं उन्हें उठा करके फेंकने लगते हैं ताकि जो शिप है उसका जो वेट है वो कम हो सके। तो यहाँ पे इनका जो एक्ट है वो अपने आप में क्या है, जस्टिफिएबल है, राइट। एक और एग्जांपल मान लो ये है मिस्टर ए एंड दिस इज मिस्टर बी। मिस्टर बी के घर में आग लग जाता है, मिस्टर ए देखते हैं और आग बुझाने का प्रयास करते हैं और इनके इस एक्ट के वजह से और इन ऑर्डर टू सेव मिस्टर बी इनके इस एक्ट के वजह से बी को इंजरी भी हो जाता है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे मिस्टर ए ने एक बड़े से खतरे को रोकने के लिए एक्ट किया है जिसमें इनका कोई क्रिमिनल इंटेंशन नहीं था, एंड दिस एक्ट हैज बीन डन फॉर द वेलफेयर ऑफ मिस्टर बी, तो ये एक्ट अपने आप में क्या है, जस्टिफिएबल है। भले ही मिस्टर ए के उस एक्ट के वजह से मिस्टर बी को लिटिल इंजरी हुआ, लेकिन अगर मिस्टर ए ऐसा नहीं करते तो शायद मिस्टर बी की जान भी जा सकती थी। तो एक बड़े से खतरे को कम करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए मिस्टर ए का जो एक्ट है अपने आप में क्या है, जस्टिफिएबल है। अब जैसे मान लो ये है मिस्टर ए, ही इज पुट इन जेल, ये जेल में है और कई दिनों से हंगर स्ट्राइक पे है और इनका जो हेल्थ है वो कंटिन्यूसली डाउन होता जा रहा है। जेल वार्डन क्या करता है, इन्हें जबरदस्ती खाना खिलाता है, पानी पिलाता है। तो यहाँ पे जो जेल वार्डन है उसका जो एक्ट है अपने आप में क्या है, एक डिफेंस है, इट इज जस्टिसिएबल एंड इट इज नॉट एक्शनेबल। यहाँ पे जो एक्ट है जेल वार्डन का वो बेसिकली फॉर द पर्पस ऑफ सेविंग द लाइफ ऑफ प्रिजनर, फॉर द वेलफेयर ऑफ प्रिजनर है। तो यानी एक पर्सन जो कोई एक्ट करता है जिसके कुछ नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं लेकिन वहां पे उसका क्रिमिनल इंटेंशन नहीं होता है और एक बड़े हार्म को प्रिवेंट करने के लिए वो एक्ट करता है, तो अपने आप में ये जो एक्ट है वो जस्टिफिएबल है और ये एक डिफेंस है, राइट। सेक्शन 81 ऑफ आईपीसी स्टेट्स दैट नथिंग इज एन ऑफेंस मेरली बाय रीजन ऑफ इट्स बीइंग डन विथ नॉलेज दैट इट इज लाइकली टू कॉज हार्म इफ इट बी डन विदाउट एनी क्रिमिनल इंटेंशन टू कॉज हार्म एंड इन गुड फेथ फॉर पर्पज ऑफ प्रिवेंटिंग और अवॉइडिंग अदर हार्म टू पर्सन और प्रॉपर्टी, राइट। तो an act done to prevent greater harm and if there is no criminal intention it is a good defense in law of torts and this particular defense which is necessity is based on legal maxim which is called as Shelley's Populi Lex. Now नेसेसिटी का डिफेंस लेने के लिए कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिन्हें हमें कंसीडर करना होता है, तो कहता है इन नेसेसिटी द इन्फ्लिक्शन ऑफ हार्म इज अपॉन एन इनोसेंट वेयर एज इन केस ऑफ प्राइवेट डिफेंस द प्लेंटिफ इज हिमसेल्फ रॉन्ग डूअर। तो ये जो
अनिवार्यता, आवश्यकता, नेसेसिटी का डिफरेंस है ये अपने आप में इनएविटेबल एक्सीडेंट और राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस से डिफरेंट है, क्योंकि हम नेसेसिटी के डिफेंस को अप्लाई करते हैं किसी इनोसेंट पर्सन को बचाने के लिए, लेकिन राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में हम अपने आप को जिस पर्सन से बचाते हैं वो खुद ही क्या होता है, रॉन्ग डूअर होता है, उससे हमारे लाइफ हमारे प्रॉपर्टी को खतरा होता है। नेसेसिटी में इम्प्लाइड कंसेंट अपने आप में क्या होता है, इनफ होता है। फॉर एग्जाम्पल, अब जैसे बी के घर में आग लगा था तो ए उसे देखते ही उसे बचाने गया। यहां पर बी ने कोई एक्सप्रेस कंडीशन नहीं दिया कि ए आओ और मुझे सेव करो। तो हियर इम्प्लाइड कंसेंट इज इनफ टू एक्ट, राइट। एक और एग्जाम्पल, अगर एक डॉक्टर किसी अनकॉन्सियस पेशेंट पर ऑपरेशन परफॉर्म करता है, उसका ऑपरेशन करता है जस्ट टू सेव हिज लाइफ, तो ये एक्ट भी क्या है, अपने आप में जस्टिसिएबल है। इट इज इन इटसेल्फ जस्टिफाइड बिकॉज इन ऑर्डर टू सेव हिज लाइफ डॉक्टर परफॉर्म्ड ऑपरेशन इवन इन अनकॉन्सियस स्टेट, राइट। तो ये है एक डिफरेंट लॉ ऑफ थॉट्स में, जिसे आप सेक्शन 81 ऑफ आईपीसी से भी कनेक्ट करके देख सकते हो, विच इज नेसेसिटी, विच इज बेस्ड ऑन लीगल मैक्सिम शेलस पॉपुली लेक्स। अब अपने नेक्स्ट वीडियो में हम एक्ट ऑफ गॉड इस डिफेंस को कवर करेंगे, जिसे विस मेजर भी कहा जाता है, राइट। फिर हम प्रिंसिपल ऑफ वाइकेरियस लाइबिलिटी, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी, एब्सोल्यूट लाइबिलिटी, इन सभी टर्म्स को डिटेल में कवर करेंगे। अगर आप लॉ ऑफ टॉर्ट्स के इन वीडियोस को कवर करते हो तो आप हर उस इम्पॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ लोगे जहां से क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं, और इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा आप एग्जाम में, ठीक। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, नोट्स पाना चाहते हो तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो या आप मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो कर सकते हो। आईडी है ra.jan9827। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।